आज हमारे पास सैमसंग का वायरलेस पावर बैंक और ये 10000 mAh का है। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसी पावर बैंक के अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि ये जो पावर बैंक है यहाँ पे किस तरीके से देखने के लिए मिलता है और इसका जो डिज़ाइन है, परफॉर्मेंस है और बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पर किस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। साथ में ही पर मैं ऑलरेडी पहले से मी पावर बैंक वायरलेस यूज कर रहा हूँ और इसका मैंने ऑलरेडी पहले ही अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस पावर बैंक का अनबॉक्सिंग करूंगा और इस पावर बैंक से मी पावर बैंक से इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। आप इसको देखने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मी वायरलेस पावर बैंक लेना चाहिए या फिर आपको यहां पे सैमसंग का 10000 mAh का पावर बैंक लेना चाहिए। तो ये दोनों ही पावर बैंक आपको प्राइस रेंज वाइज अलग मिलता है, लेकिन यहां पर आपको दोनों ही ये वायरलेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा सैमसंग वायरलेस पावर बैंक 10000 mAh का बॉक्स और इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और देखेंगे कि जो पावर बैंक है यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दिया गया है और बताया गया है कि आप सैमसंग का स्मार्ट वॉच हो, स्मार्टफोन हो या फिर और कोई भी एक्सेसरीज हो, उसे आप वायरलेस यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फटाफट ओपन करता हूँ, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो ये रहा हम लोगों का मेन यूनिट और फिलहाल इसे हम लोग साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है क्विक गाइड, ये आपको यूज करने का इसमें कुछ टिप्स दिए गए हैं। और यहीं पे हम लोग देखें तो आपको एक मिल जाता है टाइप सी डेटा केबल, तो ये आपको अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के यूज में आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल इन सब चीज़ों को साइड करते हैं और अब हम लोग बात करते हैं इस सैमसंग वायरलेस पावर बैंक के बारे में। तो फाइनली ये ओपन हो चुका है और इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो आपको ये जो है यहाँ पर काफ़ी कूल कलर में देखने के लिए मिल जाता है। ये जो है आपको काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ आता है। और इसके सबसे पहले अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऊपर में आपको रबराइज्ड फिनिश दिया गया है ताकि यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो आपके स्मार्टफोन में स्क्रैच नहीं आएंगे। ठीक अगर इसके साइड में हम लोग देखें तो इसका जो बॉडी है मेटल से बनाया गया है और ये पावर बैंक काफ़ी थिक है आपको और काफ़ी यहाँ पर लाइट वेट देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग इस पावर बैंक के टॉप साइड पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को सिंगल आउटपुट मिलता है, यहीं पे हम लोगों को इनपुट टाइप सी का ऑप्शन मिलता है, इंडिकेटर लाइट मिलता है और साथ में यहाँ पर पावर की देखने के लिए मिल जाता है। अगर इस पावर बैंक के बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ हाइलाइट्स मेंशन करा है जैसे कि आउटपुट हो, इनपुट हो। तो मैं बता दूं कि ये जो पावर बैंक है इसका आउटपुट आपको 18 वाट तक का मिल जाता है यूएसबी से, बट इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है कि इस पावर बैंक में वायरलेस जब आप चार्ज करते हैं तो कितना वाट आउटपुट प्रोवाइड करता है। लेकिन यहीं पे मैं ऑलरेडी पहले से मी वायरलेस पावर बैंक यूज कर रहा हूँ तो अगर इन दोनों के देखें तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो वैसे तो यहाँ पर इन दोनों में मेटल बॉडी देखने के लिए मिलता है, लेकिन मी पावर बैंक है यहाँ पर आपको इसका थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जबकि सैमसंग का जो पावर बैंक है यहाँ पे थिकनेस थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं इन दोनों की आउटपुट की, तो आपको दोनों आउटपुट यहाँ पर सेम मिलता है, इनपुट भी यहाँ पे सेम मिलता है, लेकिन मी वायरलेस जो पावर बैंक है यहाँ पर ये आपको 10 वॉट आउटपुट प्रोवाइड करता है वायरलेस यूज करने के बाद, लेकिन सैमसंग ने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है कि ये वायरलेस चार्ज करने पर कितना प्रोवाइड करता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ब्रांड वाइज तो इन दोनों में आपको प्राइस रेंज में काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मी वायरलेस पावर बैंक आप लेते हैं तो आपको 2499 रुपये के आसपास मिलता है और यहीं पे अगर आप सैमसंग लेते हैं तो आपको ये जो वायरलेस पावर बैंक है आपको लगभग 3300 से 3500 के बीच आपको मिल जाता है। तो प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर मैं रिव्यू दूँ, अपना छोटा सा ओपिनियन दूँ इस मी वायरलेस पावर बैंक का, तो ये जो है आपको मैं अपना आईफोन 10 के साथ यूज कर रहा हूँ तो ये मुझे 2 टाइम फुल चार्ज करता है मेरे इस फ़ोन को और आप देख सकते हैं ये चार्ज भी ले रहा है। चलिए एक बार मैं इसके ऊपर भी रख कर दिखाता हूँ कि ये चार्ज लेता है या नहीं। तो यहाँ पर अभी इस पावर बैंक ऑफ है, इस स्विच को एक बार प्रेस करना होगा। तो
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेस करने के बाद ये चार्जिंग मोड में आ चुका है और ये चार्जिंग भी ले रहा है। तो होप करता हूँ कि आप सभी को आज का जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया हो। तो बस मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।